नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेट 2010 का क्वेश्चन है, वन मार्क का, बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट देखो। द स्विच इन द सर्किट हैज बीन क्लोज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट इज ओपनड एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस द करंट थ्रू द 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज, वेरी बेसिक क्वेश्चन, अगेन किस चीज पे बात करी है, एक इंस्टेंट पे बात हुई है सारी, तो मतलब किसका क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, प्योर ट्रांजिएंट का, ठीक है। प्योर ट्रांजिएंट मतलब जिस इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करी ना, वो प्योर ट्रांजिएंट का क्वेश्चन में गिनने लग जाता हूं मैं, ठीक है। सो यहां से देखो जरा, 5 वोल्ट का तो सोर्स है तुम्हारे पास, तो पहले स्विच क्लोज था, तो फाइनली स्टेडी स्टेट के अंदर पहले स्विच क्लोज था, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह, और ये किस में आ चुके होंगे, सीरीज में आ चुके होंगे, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इस रजिस्टर के क्रॉस, वही इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज हुआ होगा, फटाफट देखते हैं। तो यहां से कितना वोल्टेज आएगा, 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 विच इज 4 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो वोल्टेज डिवाइड रूल से ये वोल्टेज कितना आ गया तुम्हारे पास, सॉरी 4 वोल्ट, ओके। सो VC0 माइनस की जो वैल्यू कितनी आ गई, 4 वोल्ट। सिमिलरली VC0 प्लस की जो वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, 4 वोल्ट। तो VC0 प्लस पे अगर तुम सर्किट बनाओगे तो दिस विल बी एक्टिंग बिहेविंग एक्टिंग, ठीक है, दोनों वर्ड एक ही है, तो बिहेविंग एज अ बैटरी विच विल हैव वोल्टेज ऑफ V0 प्लस, जिसके लिए 4 वोल्ट है ये बैटरी, जस्ट मैं बनाता हूँ इंस्टेंट पे, बैटरी नहीं होती एक्चुअली में। बैटरी और कैपेसिटर में फर्क क्या है, कैपेसिटर का वोल्टेज टाइम के साथ चेंज होता जाता है क्योंकि अपनी एनर्जी लूज करता जाता है, बैटरी में इनफाइनाइट एनर्जी अपन मान के चलते हैं, वो अपनी एनर्जी कभी लूज नहीं करती है, ठीक है। 4 पूछा क्या है, द करंट थ्रू द कैपेसिटर पूछिए, करंट थ्रू द कैपेसिटर की जाएगी 4 बाय 4 विच इज 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी, फटाफट खत्म हुआ क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।